पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में हवाई हमले के सायरन शुरू हो गए हैं। वहां से भारतीय स्टूडेंट पोलैंड बॉर्डर की ओर पहुंच रहे हैं। जोधपुर के देव लवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। देव ने भास्कर से फोन पर चर्चा करते हुए बताया कि लवीव में स्थिति बहुत पैनिक है और हवाई हमले की चेतावनी के सायरन भी यहां बज रहे हैं। स्थिति ये है कि अभी साइरन्स वगैरह आज सुबह से बज ही रहे थे, मतलब कल तक तो नॉर्मल था, पर कल भी साइरन बजे थे पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। रात को शॉप क्लोज हो गई, पानी वानी की कमी हो गई थी खाने पीने की एक बार के लिए, लेकिन अभी आज सुबह से कंटिन्यू साइरन्स वगैरह बजे, तो हमको बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया कि ऊपर आने के ऑर्डर्स नहीं थे कि भाई बेसमेंट में ही रहना, बाहर मत निकलना। तो फिर साइरन वगैरह बंद होने के बाद अभी तक लवीव सेफ है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स पे सुना है बम बम गिरे हैं, लेकिन लवीव पे अभी कुछ नहीं, सिटी मेन सिटी में कुछ नहीं हुआ है। देव ने बताया कि वीजा नहीं मिल रहा है, पोलैंड पहुंच भी जाए तो फ्लाइट के लिए वीजा चाहिए, एनओसी साइन करके वहां पहुंचा रहे हैं। कुछ दोस्त ये बता रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर क्लोज हो चुका है, हालांकि स्थिति क्या है पता नहीं चल रहा है। पूर्णिमा वोहरा, दैनिक भास्कर, जोधपुर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।